नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी ट्रेडर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी मैक्सिमम 19,450 तक जा सकता है आज के डेटा के आधार पर, हमने डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में, और वो इसी के आसपास घुमा और वहाँ से फिर नीचे आ गया। तो ये सब कुछ डेटा के ऊपर पॉसिबल है दोस्तों। ये सब कुछ देखिए हमारे लाइव मार्केट में डिस्कस भी करते हैं हम। आज हमने डाटा बोलिस था, निफ्टी मेटर्स 19,500, लेकिन निफ्टी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 500 था, रेंज बाउंड मार्का। आपको इसके बाद क्या है, निफ्टी का जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वो 500 से 300 शिफ्ट हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर मैसेज भी किया कि निफ्टी का जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वो 300 की तरफ फर्स्ट शिफ्ट हो रहा है, सेकेंड 500 पे जा रहा, तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आ गया। और ओवरऑल दोस्तों, आप जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वो वर्क करता है एक्सपायरी से एक दिन पहले तक। तो अभी हम डेटा के ऊपर बात करेंगे कि आज डेटा क्या बना हुआ है बड़े प्लेयर का, कल एक्सपायरी कहाँ पे होगा हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बात यहाँ पे करते हैं। तो कल हमारा ये भी एक्सपायर होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी फ्यूचर का भी जो अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर होगा। तो इसमें बड़े प्लेयर और FII प्रो ने क्या किया है, क्लाइंट्स हमारे लॉन्ग क्लोज किए हैं और शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे उन्होंने लॉन्ग आज ज्यादा क्लोज किया, यानी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया यहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट भी क्लोज किया। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखें कि जो 55,000 था वो भी इनका 46,000 लॉन्ग रह गया दोस्तों यहाँ पे, यानी ये थोड़ा सा दोनों तरफ पोजिशन यहाँ पे क्लोजिंग किया गया। और FII यहाँ पे थोड़े शॉर्ट पोजिशन बनाए गए हैं, FII ने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग भी पोजिशन बनाया। नेट बेसिस पे यहाँ पे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या किया, शॉर्ट पोजिशन बनाया। तो ये लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन दोनों यहाँ पे हमें मिसगाइड करने के लिए बनाया गया है। नेट बेसिस पे यहाँ पे देखें 24,000 कॉन्ट्रैक्ट बियरिस हैं और यहाँ पे ये न्यूट्रल रहे हैं। आज प्रो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लॉन्ग बनाया है, 4,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्लोज किया मार्केट को नीचे लाके, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गए। तो ये प्रो हमारे यहाँ पे जो है वो बुलिश है। तो ओवरऑल DII एज यूजुअल यहाँ पे बियरिश है, DII का पोजिशन यहाँ पे बिल्कुल बियरिश पोजिशन अभी बना के गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑप्शंस का। ऑप्शंस में आज क्लाइंट की बात करें तो देखिए कि 16,23,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल की बाइंग की है, 12,52,000 उन्होंने कॉल की राइटिंग की है। तो नेट बेसिस पे 3,71,000 वो कॉल बाई करके गए हैं, यानी ये मार्केट में जबरदस्त बुलिश है। यहाँ पे जो 2,00,000 इनके पास 11,000 कॉल की बाइंग थी वो क्लोज करके 1,60,000 ये आपको सॉरी राइटिंग थी वो कॉल की बाइंग में आ गए हमारे कौन, क्लाइंट। तो क्लाइंट यहाँ पे जबरदस्त क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलिश हो गए। अब यहाँ पे FII ये कॉल में पुट में उन्होंने क्या किया, पुट में उनके पास 5,58,000 था वो पुट की राइटिंग पड़ी हुई थी। इन्होंने आज पुट में कुछ नहीं किया, मात्र 24,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट की बाइंग की, थोड़ी सी राइटिंग क्लोज कर दी, 38,000 नेट बेसिस पे बाइंग हुआ। तो 5,19,000 अभी भी इनके पास क्या है, पुट की राइटिंग पड़ी है। जबरदस्त यहाँ पे बुलिश पोजिशन बना के गए हैं हमारे क्लाइंट्स। अब यहाँ पे FII ने क्या किया, 1,20,000 उन्होंने कॉल की बाइंग की, 2,04,000 उन्होंने कॉल की राइटिंग कर दी, फ्रेश उन्होंने 84,000 राइटिंग कर दिया यहाँ पे। तो ये 3,50,000 से सीधा 2,65,000 पोजीशन आ गया इनका, यानी डेटा यहाँ पे बेरिश हो गया। और पुट साइड उन्होंने जो पुट उनकी बाइंग थी वो नीचे ला के क्लोज कर दिया यहाँ पे 1,00,000, थोड़ी सी इन्होंने पुट की राइटिंग भी कर दी। तो यहाँ 5,12,000 से सीधा 3,98,000 हो गया, यानी हमारे FII हैं वो बेरिश हैं यहाँ पे ऑप्शंस में भी। और सेम प्रो की बात करें तो 1,38,000 प्रो के पास क्या था, कॉल की राइटिंग थी। लास्ट में देखिए जबरदस्त उन्होंने राइटिंग 8,67,000 की कर दी, बाइंग उन्होंने सिर्फ आपको 5,81,000 किया, 2,86,000 की नेट बेसिस पे यहाँ पे बाइंग हो गई, यानी डेटा यहाँ पे जबरदस्त वो बियरिश है। 4,25,000 यहाँ पे इनकी क्या हो गई, जो है वो राइटिंग हो गई। और जो 89,000 इनके पास 89,000 ये आपको पुट में राइटिंग था वो सीधा बाइंग में आ गया 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 1,10,000 उन्होंने बाइंग किया। उसमें से देखिए कि 1,64,000 पुट की बाइंग और 53,000 पुट की राइटिंग। तो बाइंग यहाँ पे ज्यादा, यानी प्रो और FII दोनों बेयरिश हैं दोस्तों। तो मार्केट अगर ऊपर आता है तो आप बिल्कुल वहां पे शॉर्ट करिए या फिर पुट बाई करिए, डायरेक्शन आपको क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों मार्केट का भी, यानी जबरदस्त बेयरिश पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है। हो सकता है कल आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर ओपन हो, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे 10,00,000 जो है पोजिशन आज फ्रेश जो है बैंक निफ्टी में राइटिंग किया गया है। ये इन द मनी तक, इवन आप देखें कि 44,300 44,200 44,100 यहाँ तक पोजीशन जो वो बना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा 44,200 ये आपको सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1,22,000 है,
यहाँ पे 155,000 ये पोजिशन अभी भी खड़ा है, ये 120,000, तो 44,100 के नीचे इमीडिएट अभी मार्केट नहीं जाएगा। ऊपर में एक बार आपको 44,300 तक जा सकता है मैक्सिमम, 44,320 तक या 400 तक मैक्सिमम, इवन 360 का ये, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो अभी हमारा ऊपर का रेंज 44,360 का रहेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का, और सपोर्ट हमारा अभी 44,000 का होगा दोस्तों, 44,000 का सपोर्ट है। इसके बीच में मार्केट कल डायरेक्शन देगा, लेकिन डायरेक्शन हमारा वो बेयरिश का है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का, तो निफ्टी में भी आप देखिए कि जो पोजीशन हमारा 347 के पास मार्केट क्लोजिंग है, 150,000 राइटिंग यहाँ पे हुआ है, बड़े प्लेयर मार्जिन यहाँ पे कॉल में ले रहे थे, और जबरदस्त 19,400-450 के पास राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे प्रो और हमारे एफआई दोनों राइटिंग किए हैं 19,450-19,400 के ऊपर। ये 450 के ऊपर थोड़ा सा पोजिशन आप देख रहे हैं, ये 400 पे भी, लेकिन 350 के ऊपर ये पोजिशन थोड़ा सा यहाँ पे बना हुआ है। तो अब भी 19,350 के नीचे मार्केट जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये पोजिशन पूरे क्लोज हो रहे हैं। तो मैक्सिमम 19,320 जा सकता है नीचे, ऊपर की तरफ 19,400 या 19,380 ये हमारा रेंज रहेगा। एक बार 380 मैक्सिमम 400 तक, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट की अगर बात करें आप, तो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट यहाँ पे दोनों ऊपर है, यानी आपको फर्स्ट देखें 19,500 पे, सेकेंड 19,600 पे, और दोनों के बीच बहुत ज्यादा नंबर नहीं है दोस्तों। तो ये डेटा आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस का दोस्तों, ओवरऑल यहाँ जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में बुलिशनेस रह सकता है डेटा के आधार पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फिन निफ्टी का भी, तो फिन निफ्टी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो फिन निफ्टी का हमारा कल का एनालिसिस होना है, यानी आपको फिन निफ्टी तो कल एक्सपायरी नहीं होगा, कल एक्सपायरी हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होगा, उसी के आधार पे मार्केट चलेगा। तो फिन निफ्टी में एज यूजुअल यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनाया, 19,900 अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आप फिन निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट अभी हमारा नीचे की तरफ जो है वो 19,600-19,500 का बन रहा है, लेकिन 19,900 अभी रेजिस्टेंस का है। तो ओवरऑल ये डेटा हमको पूरा इंडिकेट कर दिया, इसको हम पूरे ऑप्शन चेन, ओवरऑल ऑप्शन चेन है उसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या पोजिशन बन रहा है। तो पेन आप देखें तीनों यहाँ पे ऊपर है 19,350 के ऊपर, और सबसे ज्यादा चेंजिंग हुआ ही आपको पुट साइड 81,000 का हुआ है 19,350, फिर दूसरा 19,400 पे हुआ है, कॉल साइड सबसे ज्यादा 19,450-19,400 पे। तो एक बार 19,430-19,440 तक मार्केट जा सकता है कल ऊपर की तरफ। तो अगर आप लॉन्ग पोजिशन बना के गए होंगे तो इसके आसपास 19,420-30 के आसपास अपना पोजिशन क्लोज कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ओवरऑल पूरे ऑप्शन चेन का नीचे है, तो हो सकता है एक बार फंसाने थोड़ा सा ऊपर जरूर मार्केट जाए। आप अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखें कि 42,200 के पास जो क्लोजिंग है यहाँ पे, अब इसके आसपास सबसे ज्यादा जो ओआई बना है वो आपको बना है दोस्तों 44,600 पे, 44,600 पे ओआई सबसे ज्यादा 44,400 पे है, सीओआई 44,600 पे, इधर 43,900 पे है। तो अभी 43,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 44,400 का रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट कल घूमता रहेगा। डायरेक्शन यहाँ पे बेयरिश का है, पीसीआर यहाँ पे देखें न्यूट्रल है, हमारा सपोर्ट जो आपको देखें सपोर्ट दोस्तों 44,833 का दिखा रहा है, न्यूट्रल पॉइंट 44,144 नीचे ही है, रेजिस्टेंस 44,456 का है, और पेन आप देखें 44,500-44,600-44,000, यानी पेन थोड़ा सा ऊपर है, सॉफ्ट कवरिंग पॉइंट जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर है दोनों। तो ओवरऑल इस डेटा के आधार पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस हैं। एफआईआई यहाँ पे कैश में थोड़ा सा सेल किए हैं, 500 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया है। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल डेटा समझ में आ रहा होगा, मार्केट का सेंटीमेंट, वॉल मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा, फिर वहां पे हमको आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा, फिर मार्केट को अच्छी तरह गिरा दिया जाएगा। दोस्तों आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके। दोस्तों अगर पूरे आप लेटेस्ट ऑप्शन चेन के बेसिस पर ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास फुल्ली एक सॉफ्टवेयर है, स्किनर हो, जहां पे लाइव मार्केट में बड़े प्लेयर की पोजीशन आपको पता चल रहे, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 6 सितंबर से, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटेड स्किनर आपको सिखाया जाता है जीरो टू एडवांस की, कैसे बनाते हैं वहां पे जीरो टू एडवांस, और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, लाइव मार्केट में कैसे उसको ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। स्मरण है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है। इसके आधार पर बाई चलिए, होल्ड का ऑप्शन कितना कीजिए, अपने फाइनेंशियल से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए चाहेंगे।